मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडेज डेट इज 9th July 2020 एंड टुडे वी डू पेज नंबर 35 इन आवर मैथ्स बुक. व्हाट इज द नेम ऑफ आवर टॉपिक? एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स. आज हम क्या करेंगे? टू डिजिट्स के एडिशन करेंगे. टू डिजिट्स मतलब लेके देखो 32 एंड 45. ये जो नंबर है ये टू डिजिट का है ना. वन डिजिट टू डिजिट, टू डिजिट का नंबर है और ये है हमारा ऐड का सिंबल. तो आज हम क्या करेंगे? आज हम इन्हें ऐड करेंगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जी हमें क्या करना होता है? हमें करना होता है अरेंज द नंबर्स. आपको यहाँ पर सभी जितने भी सम है ये ऑलरेडी अरेंज करके दिए हुए हैं. ओके. और ये हमारा लिखा होता है ऊपर, ये वंस प्लेस के नंबर है, ये टेंस प्लेस के. ठीक है. जब भी हम ऐड करते हैं तो हमें पहले फर्स्ट ऐड द वंस, सबसे पहले हमें किसको ऐड करना है? वंस प्लेस को ऐड करना है. देन टेंस प्लेस वाले नंबर्स को ऐड करना है और हमें क्या मिलेगा? हमारा सम. ओके. टेल मी दैट व्हाट इज 32? 32 क्या है? एडेंड और सम क्या है? एडेंड है या सम है? एडेंड है. 32 इज द एडेंड वन, 45 इज द एडेंड टू और जो यहाँ पर आंसर आता है ऐड करने के बाद वो क्या है? हमारा सम. ठीक है. अभी हम देखेंगे इनको कैसे ऐड करते हैं. ओके. लुक एट दैट. व्हाट इज दिस? दिस इज माई हैंड. ओके. यू ऑल्सो हैव योर हैंड. आपके पास भी आपका हैंड है. उसमें देखिए ये क्या होता है. दिस, ये जो ब्लॉक्स होते हैं, ये जो ब्लॉक्स होते हैं, दिस आर कॉल्ड पोर्स. क्या है ये? पोर्स. हाउ मैनी पोर्स इन आवर वन हैंड? ओके. और आवर टोटल 5 फिंगर्स. हाउ मैनी पोर्स? काउंट इट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. हाउ मैनी दीज आर टोटल्स? टोटल कितने हैं ये? 15. कितने हैं बेटा जी? 15. ओके. लुक एट दैट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. हमारे पास क्या दिया है? 24 + 25. ओके. हम इसको कैसे कर सकते हैं? लुक एट दैट. मैं आपको टू मेथड से काम करवाऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल 4 and 5. पहले मैं क्या काउंट करूंगी? 4. 1, 2, 3, 4. 4 है. अपनी पेंसिल को यहीं पर रखना है, रिमूव नहीं करना है. या फिर आप यहाँ पर ऐसे इसको थम के साथ इसको पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं कि हमारे 4 यहाँ तक आए हैं. ओके. नेक्स्ट नंबर इज 5. चेक योर नेक्स्ट नंबर इज 5. ओके. अभी 4 मेरे यहाँ तक हो गए थे. अभी मैं इसी के आगे नेक्स्ट ब्लॉक से स्टार्ट करूँगी. 4 हो गए हैं कंप्लीट. यहाँ से 1, नेक्स्ट वाले से 1, 2, 3, 4, 5. अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ. अब मैंने अपना थंब यहाँ लगा लिया. क्लियर है? अभी है मुझे क्या करना है? टोटल करना है. एडेंड 1 था 4, एडेंड 2 था 5. नाउ टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो कितने आए मेरे? 9. ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है? 9. ओके. और अभी टेंस प्लेस के नंबर क्या है? 2 और 2. तो देखिए 1, 2, ये 2 हो गए, थंब रख लिया मैंने. अभी नेक्स्ट नंबर इज ऑल्सो 2. देन अगेन यहाँ से नेक्स्ट वाले से ये 2 हो गए हैं. 1, 2, थंब रखना है. अभी ये सारे मुझे टोटल काउंट करने हैं. ओके. 1, 2, 3 और जहाँ तक थंब है ये कितने हो गए मेरे? 4. टोटल कितने हुए? 4. द आंसर विल बी 4. ओके. दिस इज आवर वन मेथड कि हमने कैसे करना है. एडेंट 1 को भी काउंट करना है और एडेंट 2 को भी काउंट करना है एंड देन टोटल करना है. ओके. नेक्स्ट मेथड क्या रहता है? नेक्स्ट मेथड रहता है, देखिए 2 है और 6 है. विच वन इज़ बिगर? 6. 6 बड़ा नंबर है तो मैं स्किप कर दूंगी. ओके. एंड द अदर नंबर इज 2. 2 है तो मैंने पहले 2 काउंट कर लिया. 1 and 2, ये 2 काउंट हो गए. बिगर नंबर क्या था? 6. आफ्टर 6 अब मुझे काउंट करना है. आफ्टर 6, 6 के बाद क्या आता है? 7 एंड देन 8. क्या आया? 7 एंड 8. द आंसर विल बी
8. Which one is smaller? 3. तो 3 मैंने फिंगर्स पे काउंट करना है, जो स्मॉल वाला नंबर है उसको काउंट करना है, 1, 2, 3. ठीक है, और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? आफ्टर 5, जो भी मेरा बिगर नंबर है उसके आफ्टर से मुझे काउंटिंग स्टार्ट करनी है. 5 से आफ्टर, दैट मीन्स 6, 7, 8. ओके, द आंसर विल बी 8. इज इट क्लियर टू वन? मैंने आपको दो मेथड से ये सम करवाया है, आपको जो मेथड इजी लगेगा आपको ये सम उस मेथड से करने हैं. चलिए नेक्स्ट करते हैं, पहले वाले मेथड से करते हैं, 5 और 4. पहले 5 काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5. पुट योर थंब, चेक योर नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर इज 4. काउंट द 4 नेक्स्ट वन से, 1, 2, 3, 4. पुट योर थंब, व्हाट इज द टोटल नंबर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड देन 9. ओके, टेंस वंस प्लेस के पहले काउंट करने थे तो ये हो गए 9. अभी देखो 7 और 2, इसको मैं दूसरे वाले मेथड से काउंट करती हूँ. बिगर नंबर 7 है, स्मॉल नंबर 2 है, तो मैंने कितने काउंट किए? 1 और 2. 2 काउंट कर लिए. काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? आफ्टर 7. आफ्टर 7, 7 के बाद क्या आता है? 8 एंड देन 9. 8 एंड देन 9. ओके, लुक एट दैट, इज इट क्लियर? 5 बिगर नंबर है, ओपन योर फिंगर्स, 1, 2, 2 हो गए. आफ्टर 5 काउंटिंग स्टार्ट, 6, 7, 6, 7. ओके, 7, ओपन योर फिंगर, कितनी? 1 फिंगर का ओपन करनी थी, और 1 अगर मुझे यहाँ पर काउंट करना है, ये 1. काउंटिंग कहाँ से? आफ्टर 5. आफ्टर 5, व्हाट इज द नंबर इज दिस? आफ्टर 5 क्या आता है? आफ्टर 5 आता है 6. क्या आता है? 6. और ये तो हमने वैसे भी किया है कि अगर 5 में हम 1 ऐड करते हैं तो नंबर क्या आता है? नेक्स्ट नंबर आता है. हमने एडिशन प्रॉपर्टी में किया है ना कि अगर हम 5 में या किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? उसे नेक्स्ट नंबर होता है. अब ये भी देखो, 7 में 0, प्रॉपर्टी याद करो, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 7 में 0 ऐड करेंगे तो क्या नंबर आएगा? 7. ओके, और 8 में जब 1 ऐड करना है तो 1 वाली प्रॉपर्टी क्या है? उससे नेक्स्ट नंबर आना चाहिए, तो 8 से नेक्स्ट क्या होता है? 9. क्लियर हो गया बेटा जी? तो अब आपको ये वाली रो नंबर 1, रो 1, रो 2 एंड रो 3, रो 3 ये कंप्लीट करनी है. रो 1, रो 2 और रो 3, ये 3 रोज के जो सम है आपके एडिशन के, ये आपको अपनी बुक में कंप्लीट करने हैं. ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.